करनाल के एनडीआरआई के मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन मेले में दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। उनके साथ प्रदेश के पशुपालन एवं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल व सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। पशुधन मेले में पहुंचे किसानों का मुख्यमंत्री ने उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने खुद ऊंट की सवारी कर मेले में पहुंचे पशुपालकों का अभिनंदन भी किया। करनाल में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मेले का अवलोकन करने के दौरान अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्होंने एक पंजाब से आए पशुपालक के मोदी नामक झोटे के सिर पर अपना हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और पशुपालक का हौसला अफजाई की। इस दौरान पशुपालक गदगद नजर आया और उसने मुख्यमंत्री के ऐसा करने पर खुशी जाहिर की। मेले में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मेले के दिन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पशुपालक प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में अपने पशु लेकर पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पशुपालक एवं डेयरी विभाग की ओर से 3 दिवसीय पशुधन मेले का आयोजन किया गया है। मेले का मुख्य मिशन किसानों में अच्छे पशुपालन के प्रति जागरूकता पैदा करना है और दूध उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा को और आगे बढ़ाना है। अभी हरियाणा दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हम हरियाणा को प्रथम स्थान पर ला सके, इसी के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना लाने से किसानों और पशुपालकों को काफी फायदा होगा और वो और अधिक पशु खरीद सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने बचपन की याद आ गई। उन्होंने बताया कि वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे जब हरियाणा राज्य बना और उस दौरान हम सब बच्चे एक गाना गाया करते थे और जब मुख्यमंत्री ने वो गाना मंच से गाया तो वहां बैठे लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पशुओं की होने वाली रैंप वॉक का उद्घाटन भी किया और खुद ऊंट पर बैठकर रैंप वॉक पर चले। लोगों ने तालियों से उनका स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर द्वार पर एक ही इलाज के लिए पशु संजीवनी सेवा के नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी तथा डेयरी फार्मिंग को एक बड़े व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिए प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की 1087 ग्राम की मात्रा को बढ़ाकर देश में पहला स्थान हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से बाकी पशुओं का रैंप वॉक नहीं हो पाया जिससे वहां पहुंचे लोग भी थोड़े से मायूस हो गए। बहरहाल ये पशुधन मेला एक दिन का और बचा है जिसके अंदर पूरे हरियाणा से किसान और आम जनता पशुओं को देखने के लिए पहुंच रही है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनका सांसद होने के नाते उनका अपने क्षेत्र में स्वागत करता हूं। हमारे कृषि मंत्री भाई जेपी दलाल जी जिन्होंने बंदे भी बड़े उत्साह के साथ किसानों के लिए पशुपालकों के लिए कुछ ना कुछ विचार करके अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारे पूर्व कृषि मंत्री धनखड़ जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे सोमवीर सांगवान जी विधायक हैं दादरी से, हमारी बहन मेयर है जो रेणु बाला जी, हमारे भाई संगठन में मेरे साथी भाई वेदपाल जी, किशन बेदी जी, संजय जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, हरपाल चीका जी और छिकारा जी जो MD है पशुपालन विभाग के, जिन्होंने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया, न्योता दिया, मैं आप सब लोगों से मिल पाया। मैं केवल एक बात कहेंगे क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं एक बात को आपको खुशखबरी लगा लो, एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। कल सुबह मैं माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए उनके पास गया, हम कुछ सांसदों का वहां पर ब्रेकफास्ट था, मैं लाइन में खड़ा था पर्चे के लिए, तो जब मेरा नंबर आया मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं करनाल से सांसद हूँ संजय भाटिया, तो उन्होंने छूटते ही कहा अरे वहां वहां तो NDRI इतना उत्कृष्ट संस्थान है, आपके करनाल की और NDRI की उन्होंने बहुत बधाई दी और मैंने कहा आप कभी आइए, उन्होंने कहा जरूर, एक शब्द बोला, मैंने कहा कभी आप आइए, कहने लगा जरूर। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम उनको, अभी मैं यहाँ के जो चौहान जी थे NDRI के जो MD हैं उन्होंने मैंने उनको जानकारी दी, तो मैंने कहने लगे कि आप उनको निमंत्रण दो, हम किसी न किसी
कार्यक्रम की रचना करते हैं। तो आज मैं आप सब पशु धन लेकर जो किसान मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे ग्राम क्षेत्र से आए हुए, क्योंकि कहते हैं, अभी मैं भाई देवपाल जी को कह रहा था, पुरानी कहावत है, देशा में देश हरियाणा जीत दूध दही का खाना। तो वेदपाल जी कहने लगे भाई अब प्रदेश के अंदर प्रदेशों के प्रदेश हरियाणा जीत दूध दही का खाना, ये तो हमारी पहचान नहीं है। यहाँ के पशुपालक जैसे एमडी साहब बता रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के हमारे पास पशुधन है, और ये दिवसीय पशु प्रदर्शनी जो है 37वां कार्यक्रम करनाल में हो रहा है, और हमारे विभाग का सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है किसान की भलाई के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, और किसान की आमदनी को दुगना करने की बात आती है तो पशुधन है वो सबसे पहले आता है। किसान परिवार खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन में सबसे ज़्यादा रुचि रखता है, और हरियाणा का किसान जो है हर एक शायद ही कोई किसान ऐसा हो जो खेती बाड़ी करता हो उसके पास पशुपालन का काम ना हो। तो हरियाणा सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि पशुओं की सेहत के लिए जगह जगह हॉस्पिटल बनाए, अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंटर दिए, पशुओं का AI का काम करवाया, पशुओं का मुंह खुर की बीमारी थी उसको प्रदेश से को आमतौर पर सभी जगह से ये वैक्सीन देकर बीमारी से मुक्त कर दिया है। और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है पशु की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको अच्छा फीड दिया जाए और उसकी नस्ल सुधारी जाए। तो हमने नस्ल सुधारने के लिए AI का काम, आर्टिफिशियल इंसेलिनेशन का काम जो है हरियाणा में किया हुआ है शुरू, और हरियाणा में लगभग लगभग आधे के आसपास हम इस चीज़ में पहुंच चुके हैं कि आधे पशु जो है AI विधि से गर्भाधान करते हैं। और इसका फायदा क्या होगा कि आने वाले 4-5 साल में हरियाणा की देसी नस्ल की, साहीवाल नस्ल की, गिर नस्ल की, या जो भी गाय है या हमारी दुना भैंस है, इसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, इसकी नस्ल बढ़ेगी, इसकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और हरियाणा में आपको बताना चाहता हूँ, देश के अंदर पहला प्रांत है जिसने ये पशुओं के लिए पशुधन के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। उन सबको इनाम दे दिए होंगे या दिए जाएंगे, उन सबको मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। भाई बहनों, हमारा किसान बड़ा प्रगतिशील किसान है, और अब तो चूंकि चाहे खेती हो चाहे पशुधन हो, देश और दुनिया में बहुत बहुत उन्नत तकनीक ये भी आ गई है, और तकनीक के आधार पर भी हमको आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि हम प्राचीन काल से गौधन की सेवा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गौ को हम माता भी मानते हैं, गौ को उपयोग हमें यानी एक प्रकार से उसके वंश के नाते बैल का उपयोग भी ये ठीक है, पहले बहुत होता था, अब उतना नहीं होता है, लेकिन दूध के नाते तो हमारा भरण पोषण वो गौ माता करती है, दूध देने वाले पशु सबका हमको उपयोग है। इतिहास में आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ की गौ को विदेशों में देशों में ले जा करके, उदाहरण देता हूँ ब्राजील का, आज हमारे यहाँ गौ 10 किलो 15 किलो 20 25 किलो दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्राजील में हमारे यहाँ की जो गौ गई हुई है वहाँ आज 70 किलो 80 किलो दूध वो लेते हैं। तो बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन उन्नत तकनीक के कारण से भी आता है। हम भी धीरे धीरे उस तकनीक के माध्यम से अपने किसानों को किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, इन चीजों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पशुधन, और वो भी क्योंकि दूध और दही, ये प्रदेश माना जाता है दूध और दही का। मुझे याद है जब छोटे होते थे, जब हरियाणा प्रदेश बना, जब हरियाणा प्रदेश बना 1966 में, तो छोटे होते थे, मैं 6वीं कक्षा में ही पढ़ता था, तो गीत बोलना शुरू किया था उस समय, 1 नवंबर 1966 में बना राज हरियाणा।
सुबह शाम घर में माता हो, दादी हो, नानी हो, बेटा सुबह सुबह दही खा के जाओ, शाम को सोने से पहले दूध पी लो, रोटी है उसके ऊपर मक्खन, सब्जी वब्जी कोई होती नहीं थी, यानी मलाई के साथ रोटी खिला देती थी और मक्खन के साथ भी खिला देती थी, हृष्ट पुष्ट नौजवान बालक होते थे और कोई बीमारियों का असर नहीं होता था। आज तो बच्चे भी छुई हुई हो गए, बड़े भी छुई हुई हो गए, अब ये कोरोना जैसी चीज चली है, सब दुनिया अंदर भाग रही है, सब दुनिया भाग रही है, अंदर बैठ जाओ, घर के अंदर बाहर मत निकलो, ठीक है। ये बहुत महामारी रूपी बीमारी है, हमको सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि हमको चिंता नहीं करनी है, ये दुनिया व्यापी एक बीमारी आ गई है, इससे सावधान रहना चाहिए, तो सावधानी के लिए जो सूचनाएं निर्देश हो करने चाहिए। लेकिन हृष्ट को शरीर अगर होता है तो हृष्ट को शरीर पर बीमारी भी ऐसे कम करती है, नहीं करती है। तो हमको अपने इस ओर जरूर ध्यान देना है कि हम आखिर इस दूध दही के प्रदेश को और आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी ओर हमने चिंता करनी है। हमारे यहाँ की मुर्रा भैंस देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, मुर्रा भैंस के ऊपर हमने अच्छी भैंस, अच्छी उपयोगी दूध देने वाली, इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ, 30,000 रुपए का इनाम अच्छी भैंस के लिए, भैंस के ऊपर। मुर्रा भैंस की तो इतनी प्रसिद्ध हमारी भैंसें हो गई हैं, हिसार के लिताड़ी गांव में किसान ने अपनी एक भैंस पंजाब के किसान को बेची, मैं सुन के हैरान हो गया, 51 लाख रुपए की भैंस, 51 लाख रुपए लिताड़ी गांव के किसान। तो इस प्रकार से हमको चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, इसको गाय के प्रोत्साहन के लिए मैंने भी काम किए हैं, जैसा गाय के उपयोगी और ज्यादा दूध देने वाले उसके ऊपर भी 20,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। गाय का दूध भी बहुत लाभदायक होता है, यानी गाय के दूध पर तो हमने इस बार जो सहकारी दुग्ध योजना में जो समितियां दूध लेती हैं, पहले भैंस के ऊपर 5 रुपए किलो देते थे, गाय के दूध पर 4 रुपए किलो देते थे, लेकिन इस वर्ष हमने तय किया है कि नहीं, भैंस के साथ गाय के दूध पर भी 5 रुपए मिलेगा, तो गाय पालन को प्रोत्साहन देगा, कोई अंतर नहीं करेंगे, क्योंकि गाय का दूध मात्रा में कम होता है, भैंस का ज्यादा होता है, तो कम मात्रा वाले पशु को भी प्रोत्साहन मिले, इसलिए उस पर भी 5 रुपए। और उसका दूसरा कारण भी है, गाय का जो दूध का प्रोटीन है वो ज्यादा लाभदायक है। गाय के दूध में एक A2 नाम का एक तत्व होता है, A2 तत्व, जो गाय के दूध का पीलापन है वो A2 के कारण से होता है, भैंस के दूध में पीलापन नहीं होता है, गाय के दूध में पीलापन होता है, तो पीलेपन का मात्रा जो होती है A2 जो प्रोटीन है उसके कारण से होता है, और उस A2 तत्व के कारण से गाय का दूध सेवन करने से डायबिटीज नहीं होती, हृदय के रोग को ठीक करता है, हृदय भी कोई रोगग्रस्त नहीं होता। गाय का दूध ज्यादा आदमी को तरोताजा और एक मस्तिष्क को चुस्त करने वाला दूध का, भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, गाय के दूध में फैट ज्यादा नहीं होता, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको गौ पालन के नाते से भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी 3 दिन पहले हमारी वर्कशॉप हुई, 2 दिन पहले, बरसों की बात है, कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर ये विचार किया गया कि रासायनिक खाद के जो खेती करने वाले किसान हैं उनको अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, और प्राकृतिक खेती में गोबर और गौमूत्र इसके मिश्रण से जो खाद बनते हैं उसका यदि उपयोग करेंगे तो फसल भी कम नहीं होगी, फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसलिए उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम उसके लिए विशेष स्कीम बना रहे हैं कि जो किसान गाय पाल करके उसके गोबर और गौमूत्र से खाद डालेगा, रासायनिक खाद को छोड़ेगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। कितना प्रोत्साहन देना है वो हमारे कृषि मंत्री हैं और पशुपालन मंत्री दोनों ही हैं, तो इस सारे काम लगा रहे हैं, बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं कि सब किसान गाय को जरूर पालें और गौमूत्र और गोबर से जो खाद तैयार होना है उसका उपयोग करके अपनी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। तो ये सारे काम हम आगे करेंगे। हमारे यहाँ बहुत प्रकार की नस्लें हैं, हरियाणा, साहिवाल, बिलाही, ये सब नस्लें गाय की हैं, और देसी गाय इसका भी अपना एक उपयोग है, इन सब नस्लों को आगे हमको बढ़ाना चाहिए। इसलिए अपना जो इतिहास है, गाय का इतिहास है, या भगवान कृष्ण को हम सब भगवान मानते हैं, अगर कृष्ण के बहुत कामों में एक काम यह माना जाए वो गो पालक थे, गौ के प्रति प्रेम था उनका, गांव की वो जो गोधूली व
से जिसका वर्णन होता है, देश में गोपाष्टमी नाम से त्योहार मनाया जाता है और किसी पशु के नाम से नहीं मनाते हैं त्योहार, गोपाष्टमी के नाम से मनाते हैं। इसलिए गौ के पालन की ओर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने सरकार ने भी विशेष एक्ट बनाया गौ संवर्धन और गौ रक्षा के नाते से, ताकि इस गाय के प्रति हमारी जो आस्था वो बनी रहे। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने जैसा बताया गया, हमारे दलाल साहब ने बताया कि पशुओं का ही बीमा सुरक्षा योजना ये हमने बनाई है। अभी तो केवल 2.5 लाख पशुओं का बीमा होता है, बड़े पशु का 100 रुपया प्रीमियम दिया जाता है, छोटे पशु का 25 रुपया दिया जाता है। लेकिन जैसे संकल्प बताया कि आने वाले वर्ष में 10 लाख पशुओं का बीमा हमको कराना है, 10 लाख पशुओं का। अगर पशु धन है और उसमें जीव है तो जैसे आदमी अपना बीमा कराता है, कल को परिवार में कोई संकट ना आए और उस बीमे की राशि से परिवार का देख रेख हो जाए, इसी प्रकार गौ भी हमारा धन है। गौ धन के मानो किसी कारण से किसी दुर्घटना में या वैसे उसके मृत्यु हो जाने के बाद उसके पैसे से उस परिवार की देख रेख भी ठीक से की जा सकती है, अन्य पशु लिए जा सकते हैं। इसलिए हर कोई किसान पशुओं का बीमा जरूर कराए। मुख्यमंत्री जी, मोदी नाम है जी इसका, मोदी बुल, मोदी नाम है जी इसका, सर मोदी बुल, देखिए मोदी नाम है, फाजिलका से मोदी नाम है इसका, धन्यवाद जी, धन्यवाद।
मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए जी, बोले बहुत अच्छे, और मतलब बोले मैं बोले अभी साइड से देखो, बोले ऊपर से मैंने देख लिया सबसे बढ़िया जी, कुछ कारा भी उन्होंने बिल्कुल आशीर्वाद देके गए। गहराइयों से इस बिल के बहुत ही शानदार का पंजाब से लक्ष्मी देवी ये लगाया जा रहा है जिसके जी सर देखिए, जैसा हर वर्ष हम लोग पशुधन की एक जो प्रदर्शनी लगाते हैं उसी प्रकार की एक उत्कृष्ट पशुओं को यहाँ ला करके जो पूरे प्रदेश से अच्छे पशुओं की प्रतियोगिता कराई जाए, तो एक रैंप शो ये किया गया और उसमें कुछ पशुओं को इनाम में भी उनकी जूरी बैठती है तो चुना गया है, उनको सबको मैंने बधाई भी दी है। और पशुपालन में किसान की आय कैसे बढ़े इसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं, बहुत से विषय आज मैंने बता दिए हैं ताकि उनकी दुग्ध की उत्पादकता कैसे बढ़े, और ख़ास करके जो सीमन है जो कृत्रिम सीमन जिसके अंदर बछड़ी पैदा हो गाय को, उसकी एक नई योजना हमने जो लागू की है उसके बारे में बताया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो मेले लगाने से हमारा जो पशुधन है वो बढ़ेगा, हमारी जो दूध की मात्रा है हम हरियाणा को प्रथम स्थान पर लाना चाहते हैं, जो कि हरियाणा भी दूसरे स्थान पर है, 1087 ग्राम पर हेड दूध का उत्पादन यहाँ होता है, हम चाहते हैं 1120 क्रॉस करे ताकि हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आ सके। सर क्रेडिट कार्ड देने की बात की है पशुपालन को, वो क्या सर किस हिसाब से क्या दिया जाए? देखिए चूँकि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है उसकी ज़मीन के हिसाब से उसको बैंक से लोन मिलता है, वैसे ही एक योजना हम बना रहे हैं जिसमें पशुओं के भी उनकी कीमत के हिसाब से छोटे बड़े पशु का यानी न्यूनतम भी कुछ रखा होगा ना, तो बड़ा 60,000 से लेकर और 3 लाख रुपए तक अलग अलग पशुओं के संख्या के हिसाब से वो पशुधन क्रेडिट कार्ड एक बनाए जाएंगे ताकि उसमें भी किसान को लाभ हो सके और वो उसका लाभ लेकर के और पशुओं की संख्या अपनी बढ़ा सके। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गैदरिंग आपको नहीं लगता है कि देखिए हमने सब सावधानियां बरती हैं और चूंकि पहले से जो कार्यक्रम तय किया था आज का ही कार्यक्रम, चूंकि पूरे हरियाणा प्रदेश का पशुधन का एक कार्यक्रम मेला लगा हुआ है इसमें हमने सब सावधानियां बरती हैं, आज के बाद के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, सब चीज़ों को लेकर के तैयार हैं, हमारे सब जगह हॉस्पिटल्स में भी हमने सारी अपनी तैयारी कर रखी है और जगह जगह अलग से उनको अगर कुछ बाहर से लोग आते हैं और ऐसे लोगों को एकांत में रखने की जो सारी चीज़ें वो भी हमने तैयारी कर रखी है, खास करके विदेशों से जो लोग आने वाले हैं उसके बारे में अलर्ट किया गया है, क्योंकि दिल्ली के एयरपोर्ट के साथ साथ जहां दिल्ली और हरियाणा दोनों का दायित्व तो बनता है कि आसपास स्थान तय करके रखें, लेकिन मुझे कष्ट की बात यह है कि दिल्ली ने पिछले 2 दिनों में जितना सहयोग करना चाहिए वो नहीं किया है, हरियाणा में हम लोगों ने कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं चाहे वो किसी भी देश से आते हैं उनको गुड़गांव में रखेंगे अथवा फरीदाबाद में रखेंगे अथवा आसपास जो हमारे स्थान हैं भोंडसी है, ITPP में भी एक आपको पता ही 83 लोग आए थे वो हमने रखे हुए हैं, आज भी कुछ लोग एक्सपेक्टेड हैं जो लोग बाहर से आने वाले हैं, सब की व्यवस्था हमने कर रखी है ताकि उनको 14 दिन के लिए जो एक अलग उसका रखने का प्रावधान है उसमें रखेंगे, ये कोई बीमारी से ग्रस्त होकर नहीं आते हैं लेकिन एक सावधानी पूर्वक कि कहीं ऐसी कोई कठिनाई ना हो उनका टेस्ट किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है और उनको पहले बता दिया जाता है। सर एग्जाम के प्रति जागरूक नकल कराने में सर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, हालांकि सरकारी टीचर अधीक्षक जो है स्टूडेंट है वही नकल कराने में सक्रिय। देखिए हमने पूरी सख्ती से उसका काम शुरू कर दिया, कई अधीक्षक जो हैं उसको पकड़े गए हैं, कई मोबाइल भी पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ लोगों को तो कल सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस की व्यवस्था भी बढ़ा दी है, इसलिए अब सारा जो नकल का मामला उसको कंट्रोल कर लिया गया, कोई नकल नहीं। किसानों को राहत किस तरह से देगी बारिश ओलावृष्टि? लगातार गिरदावरी के आदेश किए हैं और जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हो रही है अब ये चूँकि एक प्राकृतिक आपदा है तो इसमें हम कुछ उस रोक तो उसको सकते नहीं है, लेकिन जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उस पर उसकी भरपाई उचित भरपाई जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करवा रखा है बीमा उनको तो वहाँ से मिलेगा, जिन्होंने नहीं करा रखा उनको सरकार अपने हिसाब से देगी। सर एक जो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.